आज हम उड़द की दाल फ्राई बनाने जा रहे हैं। इसके लिए मैंने एक कटोरी दाल ली है, दो प्याज, दो टमाटर और 10 लहसुन की कुल्ली और 4 मिर्ची का पेस्ट बना लिया है। दाल को धो करके 1 घंटे के लिए गुनगुने पानी में भिगा देंगे। घंटा हो गया, हमारी दाल भीग के तैयार हो गई। सर हमने आधा लीटर पानी ऐड कर लिया, अब इसके अंदर दाल ऐड करें। अब इसके अंदर 1 चम्मच नमक और आधी चम्मच हल्दी डाल करके इसको मिडिल आंच में 2 सीटी लेंगे। 2 सीटी आ गई, हमारी दाल उबल के तैयार हो गई। गैस की फ्लेम बंद कर देते हैं। दाल हमारी उबल के तैयार हो गई और प्याज हमने बारीक काट लिया और टमाटर को इस तरीके से काट लिया। मिर्ची तो पहले से इसमें ऐड, अब इसके अंदर हम आधी चम्मच नमक डालेंगे क्योंकि 1 चम्मच उबलते समय हमने डाल दिया था। अब 2 चम्मच धनिया ऐड करेंगे इसके अंदर, 1 चम्मच भुना हुआ जीरा और आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच तेल इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसके अंदर प्याज ऐड, 1 मिनट के लिए प्याज हम धीमी आंच में पकाएंगे। 1 मिनट हो गया है, अब इसके अंदर हम टमाटर ऐड करेंगे। अब 1 मिनट के लिए हम इसे मिडिल आंच में पकाएंगे। प्याज और टमाटर भुन के तैयार हो गए, अब इसके अंदर मसाला ऐड करें। एक मिनट के लिए मसाले को हम धीमी आंच में पकाएंगे। हमारा मसाला भुन के तैयार हो गया, अब इसके अंदर हम दाल ऐड करेंगे। अब इसको 2 मिनट के लिए हम मध्यम आंच में पकाएंगे। 2 मिनट हो गए, हमारी दाल बनके तैयार हो गई। ऐसे हम धनिया डालेंगे इस तरह और इसे गैस की फ्लेम बंद कर देंगे।